subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज सुमेरा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड को लेके हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। ऐसे में जो घरों में लोग रिकवर हो रहे हैं, जो कोविड से इन्फेक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा ही कंसर्न है अपने पेट्स को लेके। तो आज का हमारा वीडियो यही इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। एंड प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों के पास पेट्स हैं, प्लीज़ के पास, जिनको आप जानते हैं उन लोगों के पास पेट्स हैं, उन्हें प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों को कि इस वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करें। फर्स्ट, मुझे अभी बहुत ज़्यादा DMs आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम वी आर इन्फेक्टेड, तो क्या हम हमारे कैट्स को, हमारे पेट्स को इन्फेक्टेड कर सकते हैं इस चीज़ को लेके या नहीं। अभी तक के साइंटिस्ट इन सब चीज़ों को लेके रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आप आपके पेट्स को कोविड से इन्फेक्टेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपने पेट को हैंडल करें या आप आइसोलेटेड हो अपने पेट के साथ, तो ऑलवेज वेयर अ मास्क जब भी आप अपने पेट को मानते हैं कि ये चीज़ आई तो एक बैट के तरफ से है, बट अभी तक रिसर्च चालू है कि ये एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कोविड को लेकर इन्फेक्टेड हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपने पेट को हैंडल करें, हमेशा प्रिकॉशंस लें उसके। अगर आप सिंगल हो, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप सिंगल हो और आप आइसोलेटेड हो, अपने पेट को अकेले हैंडल कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें उसकी हैंडल कर रहे हो वो सब सैनिटाइज हो। एंड आफ्टर रिकवरिंग, जो 15 days आप अपने घर में आइसोलेट होकर निकाल रहे हो, उसके बाद आफ्टर 15 days बाद आप आपके कैट को ग्रूम कीजिए अच्छे से, अपने पेट को ग्रूम कीजिए, अपने कैट्स को ग्रूम कीजिए। एंड आप देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि जब हमारा कैट सबसे ज़्यादा सोया सोया रहता है, हम अगर देखेंगे कि हम कोविड से इन्फेक्टेड थे और हमारे कैट में हमें कुछ अनयूजुअल थिंग्स दिख रही है, वो प्लेफुल नहीं है, वो कुछ दिन से शांत शांत रह रहा है, तो हड़बड़ी ना करते हुए, हरी ना करते हुए बेड के पास एकदम से ना दौड़, उनसे कॉल पे थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने वेट के पास अपने पेट को ले जाके एक जनरल चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप जब भी अपने पेट को हैंडल कर रहे हो, हमेशा मास्क लगा के रखिए, हमेशा उनको सैनिटाइज हैंड से। आप जितने दिन भी ये चीज़ों से इन्फेक्टेड हो रहे हो, आप जितने दिन अपने आइसोलेट में गुजार रहे हो, जितने दिन आप एक रूम में आइसोलेट होकर गुजार रहे हो, मेक श्योर आप आपके कैट को हाथ ही ना लगाए। जो टॉयज़ होते हैं उन सब चीज़ों से उन्हें खिलाइए, जो उनके फूड बाउल्स होते हैं उनको भी आप दूर से सैनिटाइज करके आप फूड बाउल में फूड डालिए। एंड मेक श्योर कि आप ये जो रिकवरी टाइम है उसमें आप अपने पेट को हाथ ही ना लगाए, बिकॉज अभी तक प्रूफ तो नहीं हुआ है, बट वी वॉन्ट कि हमारे पेट्स हमसे ज़्यादा, हमारे पेट्स सेफ रहे। एंड कोविड ऐसी एक, मैं कहूँगी कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा पेट पेरेंट्स को डिप्रेस करती है अपने पेट्स को लेके। ये एक डिप्रेशन में हमें डालती है, हमसे ज़्यादा हमें दूसरे लोगों की फिक्र होती है कि हमारे वजह से ये इन्फेक्टेड ना हो। तो मेक श्योर कि आप खुद ही इतने प्रिकॉशंस ले लें कि जब आपकी रिकवरी टाइम, जो आइसोलेट टाइम आप गुजार रहे हो, वो चीज़ों में आपकी जो चीज़ें, आप जो लोग हैं, जो पेट्स हैं, उनको, उनसे कॉन्टैक्ट में आए ही ना। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है गाइस कि ये कोविड एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। एंड अभी ये काफ़ी, एक साल हो चुका है अभी तक तो इस चीज़ को लेके, बट मैंने कभी नहीं सुना है कि जो अपने पेट्स हैं उनसे कोविड ह्यूमंस को हो रहा है। मेक श्योर कि आप आपके पेट्स को वैक्सीनेटेड करें, आप आपके कैट को डीवॉर्म करें, आप आपके पेट को डीवॉर्म करें एंड जो चीज़ें हैं उनको सैनिटाइज करके आप अपने पेट को दीजिए, ताकि वो भी बीमार ना पड़े एंड आप भी एक हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें।
Thank you so much for watching this video. Do share this video, do like this video and keep following, keep subscribing. And आपके जो भी concern है मुझे DM कर दीजिए Instagram पे या फिर आप comment box में भी लिख सकते हैं. Thank you so much for watching this video. हमें सबसे ज़्यादा कोविड में हमारे पेट्स ही हमें रिकवरी के लिए हेल्प करते हैं, डिप्रेशन से निकालते हैं. ये जितना ज़्यादा प्लेफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, उतना जल्दी आप भी रिकवर होंगे. एंड मैं ये कहूँगी कि जितना हो सकता है जो भी अकेले है, जो भी कोविड के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास कोई ना कोई एक पेट हो जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाले इस कोविड को लेके. एंड गाइस, पेट होना घर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि आपको दिख रहा है अभी मैं इतना वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम स्टिल हैंडलिंग माय कैट, बिकॉज हमें डर लगता है कि हमारे कैट्स को कुछ, हमारे पेट्स को कुछ होना. ये ऐसी कोविड की सिचुएशन में हम चाहते कि हम कभी अपने पेट को इन्फेक्टेड होते ना देखे, बीमार होते ना देखे. बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप डिप्रेशन के लिए रहते हैं तो हमेशा अपने को कोई ना कोई पेट हेल्प करते हैं डिप्रेशन से लड़ने के लिए. चाहे आप कैट ले लीजिए, चाहे आप डॉग ले लीजिए, चाहे आप फिशेज ले लीजिए, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ये सारी लिविंग थिंग्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये हमें डिप्रेशन से निकालती है. एंड ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें अभी कोई भी फैमिली मेम्बर्स, इवन हमारे रिलेटिव्स हमें अभी इस चीज़ को लेके सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे आसपास नहीं गुजरेंगे. एंड जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं वो पेट्स ही है. तो अपना टाइम पूरा, अटेंशन पूरा पेट्स को दीजिए एंड उनको हेल्दी रखिए, आप खुद भी हेल्दी रहिए. स्टे इंडोर और अपने कैट्स को भी इंडोर रखिए, अपने पेट्स को भी इंडोर रखिए. एंड मैं यही बोलूँगी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. और कैट्स को लेके, कोविड को लेके आप लोगों को कोई भी कंसर्न है, आप लोग मुझे प्लीज़ DM कीजिए Instagram पे. वेट फॉर माई रिप्लाई. अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. एंड नो नीड टू वरी. अभी तक मैंने जैसा भी, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि कोई भी चीज़ अप्रूव नहीं की है कि कैट्स को एंड ह्यूमंस को एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकती है ये डिज़ीज़. बट आप दोनों ही थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर प्रिकॉशंस लें अगर आप अगर ह्यूमन कोविड पॉजिटिव है तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग गाइस. थैंक यू.